आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में, और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारे PDF और लिंक वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS का। आपको पता है कि जो क्लर्क की पोस्ट के लिए आया था उसका प्रीलिम्स हो चुका है, तो अभी कट ऑफ किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट से पता चला मॉडरेट है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं गया है। और कई कई शिफ्ट्स तो चलिए, कुछ शिफ्ट हार्ड थे बट मैक्सिमम जो है वो मॉडरेट रहा है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल 4545 जो है वैकेंसी थी, ठीक है। 11 बैंक ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और 7 जो है यहाँ पे एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम का जो है वो भी यहाँ पे डेट आ चुका है। बट अभी देखिए क्या जो था सिचुएशन, देखिए 26, 27, 28 को जो है वो यहाँ पे हुआ था एग्ज़ामिनेशन, 26, 27 और 2 सितंबर को। तो अब यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए, देखने को इसी जो है वो मंथ सितंबर के एंड तक, या फिर जो है सितंबर के एंड तक ही आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अभी कट ऑफ क्या रह सकता है? अगर पोस्ट जो है वो यहाँ पे 4500 के आसपास है, क्वेश्चन भी मॉडरेट रहा है, तो आप लेके चलिए कि 74-75 जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ रहने वाला है। उसके आसपास से आप, अगर उससे ज़्यादा आपकी जो है अटेम्प्ट अच्छे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप ज़रूर से मेन की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि 75 मुझे लगता है काफ़ी रहेगा आपकी जो है वो यहाँ पर क्लियर करने के लिए। तो और भी जैसे ही हम लोग के पास और भी डाटा आएगा, हम लोग जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए जिस तरीके से डाटा है उस हिसाब से 75 जो है वो यहाँ पे काफ़ी जो है वो लग रहा है कि यहाँ तक कट ऑफ जो है वो काफ़ी हद तक यहीं पे रहने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी आपने प्रीलिम्स दे लिया है तो ज़रूर से वेट कीजिए, हम उसके ऊपर और भी वीडियो लाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या सजेशन हो हमारे लिए वो भी दे सकते हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।